महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। फडणवीस और अजीत पवार की सरकार के गठन को चुनौती देते हुए जो फ्लोर टेस्ट की याचिका दी गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करनी है। फडणवीस सरकार को समर्थन से जुड़ी हुई चिट्ठी कोर्ट को देनी होगी। वहीं केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन हटाए जाने पर जानकारी देनी है। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की तारीख को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे सकता है। राज्यपाल ने फडणवीस को 30 नवंबर की तारीख दी है, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मांग है कि फडणवीस को तुरंत बहुमत साबित करने को कहा जाए और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। महाराष्ट्र में सियासी महाभारत जारी है। सियासत के सारे धुरंधर खिलाड़ी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक दांवपेच का हाल तो ऐसा है कि सुबह उठने के बाद नेताओं के दिमाग में यही चलता है कि बीती रात दूसरे पक्ष ने कौन सी चाल चली होगी। फिलहाल महाराष्ट्र की लड़ाई आज दिल्ली में लड़ी जाएगी और इसका केंद्र होंगे सुप्रीम कोर्ट और संसद। सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र मामले की सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यपाल के राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश और फडणवीस को सरकार गठन के लिए आमंत्रण वाले पत्र को पेश करने का आदेश दिया था। वहीं संसद में भी विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र के मुद्दे पर हंगामा कर सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होगा। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। केंद्र और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज पेश करेंगी। वहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाने पर जानकारी देगा। इसके अलावा फडणवीस सरकार को राज्यपाल के न्योते वाली चिट्ठी भी देनी है, साथ ही विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी भी सीएम देवेंद्र फडणवीस सुप्रीम कोर्ट में देंगे। वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट की तारीख को लेकर फैसला दे सकता है। इसी के साथ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना विधायकों के शपथ पत्र भी सुप्रीम कोर्ट में सौंप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के इंतजार के बीच महाराष्ट्र में कल रात एनसीपी विधायकों को होटल रेनेसा से हयात रेजेंसी में शिफ्ट किया गया। इस होटल में विधायकों से मिलने रात भर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। होटल के बाहर रात में भी जिस तरह की सरगर्मी दिखाई दी उससे समझा जा सकता है कि होटल में मौजूद विधायकों को लेकर शरद पवार गुट कितना संजीदा है। एनसीपी नेताओं के साथ साथ शिवसेना के नेता भी विधायकों से मिलने के लिए होटल पहुंचे। सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट, और इस राज्य के हित में, किसानों के हित में अच्छे काम होंगे और सभी लोगों ने मिलकर नए सरकार के माध्यम से लोगों की जो समस्या है उसे छुड़ाने का काम करेंगे। हमारे विधायक यहाँ पे आपके रुके हैं और उनकी छाती सारे इकट्ठा रहे और एक दो दिन में कभी भी उनको विधानसभा में जाने की आवश्यकता पड़ी तो नजदीक चाहिए, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया यहाँ रखने का। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। बीजेपी की ओर से एक बार फिर बहुमत साबित करने का दावा भी किया गया। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा ये साबित हो जाएगा कि महाराष्ट्र के हक में बनाई हुई तीनों दलों की अलायंस के पास संपूर्ण बहुमत है। इधर कल एनसीपी भी लगातार अजित पवार को मनाने की कोशिश में जुटी दिखी। जयंत पाटिल समेत एनसीपी के कई नेता अजित पवार को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। अजित पवार ने कल ट्विटर के जरिए मैदान संभाला और एक तीर से कई शिकार किए। अजित पवार ने पीएम मोदी और दूसरे बीजेपी नेताओं को धन्यवाद दिया। अपने ट्विटर हैंडल पर परिचय में खुद को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बताया। अजित पवार ने ट्वीट करके कहा कि मैं एनसीपी में ही हूं और शरद पवार हमारे नेता हैं। बीजेपी एनसीपी का गठबंधन राज्य में अगले 5 सालों के लिए स्थिर सरकार देगा। राज्य और आम लोगों के कल्याण के लिए हमारी सरकार गंभीरता से काम करेगी। इसके बाद एक और ट्वीट में अजित पवार ने लिखा कि किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, हालांकि कुछ धैर्य की जरूरत है। अजित पवार के ट्वीट के बाद तुरंत शरद पवार ने भी पलटवार किया और कहा, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं, एनसीपी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि वो शिवसेना, कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन करेगी। अजित पवार का बयान झूठा और गुमराह करने वाला है, इससे लोगों में भ्रम होगा। वॉर नहीं चालू, अजित पवार जी ने जो
ट्वीट किया था उससे लोगों को गलत समझ आए या संभ्रम निर्माण हो, ये उनके ट्वीट पे से लगा, इसलिए पवार साहब ने उनका जो रुख है, उनकी जो दिशा है, वो क्लियर करने के लिए उन्होंने ट्वीट किया है। तो महाराष्ट्र की सियासत के खेल में शह और मात का खेल जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला हो सकता है, जिसके बाद मालूम चलेगा महाराष्ट्र के सियासी मुकाबले का विनर कौन और कब तक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनाव नतीजों के पूरे एक महीने चले उथल पुथल के बाद महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई, लेकिन उस सरकार पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और अब ये सियासी रण सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा है। हमारे साथ बातचीत के लिए 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। मुंबई से संजय सिंह मेरे साथ हैं, साथ ही राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर से निवृत्ति मोहन भी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही है। सबसे पहले निवृत्ति, अपडेट कोई नया है तो वो भी दीजिए, और साथ ही कितनी उम्मीद की जाए कि जो ये संकट की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, क्या इस पर कोई फैसला, इस सियासी संकट का अंत मुमकिन है आज? देखिए, आज क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुना, रात के समय सैटरडे की रात को जल्दी से जल्दी पिटीशन जैसे ही आती है उसके बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली जाती है और उसको अर्जेंट मानते हुए एक्सेप्ट कर लिया जाता है और संडे के दिन उसको लिस्ट भी कर दिया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अर्जेंट तो माना है, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर उन्होंने सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन की है, इस तथ्य को सबसे ज़्यादा वो कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो पिटिशनर की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, ये संविधान के खिलाफ था, तो सबसे पहले इसको लेकर चल रहे हैं। और जो फ्लोर टेस्ट की बात थी उसको कल फिलहाल कंसिडर नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि जब तक जो लेटर्स हैं, चाहे वो गवर्नर की तरफ से लेटर्स हो या फिर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से गवर्नर को लिखा गया लेटर हो, वो सुप्रीम कोर्ट में लाकर देखा नहीं जाता, उसे पेश नहीं किया जाता उन लेटर्स को, तब तक इस मामले में वो कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आज जिस तरीके से अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है, कुछ ना कुछ उम्मीद ज़रूर है कि हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट की ही बात सुप्रीम कोर्ट करे और जल्द से जल्द इस पर फ्लोर टेस्ट करवाने की बात जैसे कि मांग की गई है पटिशनर की तरफ से। उन्होंने तो ये कहा था, पिछले कल की बात की थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर फ्लोर टेस्ट करवा दिया जाना चाहिए, तो ये हो सकता है कि एक दो दिन का समय और दिया जाए और फ्लोर टेस्ट का समय दिया जाए कि इस समय के अंदर फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। और जो ये सारी संभावनाएं हैं जो 10:30 बजे जब सुनवाई इस पर शुरू होगी तो उसके बाद 10 पर भी जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ संजय सिंह। अब चूंकि कोर्ट में ये पूरा मामला है, लेकिन महाराष्ट्र में उथल पुथल अभी भी मची हुई है, रात भर भी मीटिंग्स होती रही, अपने अपने विधायकों की निगरानी होती रही, फिलहाल क्या स्थिति अभी बनी हुई है, अगर मौजूदा जो स्थिति अभी की अगर बात करें आज सुबह की? तो आज सुबह की बात करें तो एनसीपी की ओर से एक दावा आया है और वो है कि उनके पास 54 में से 52 विधायक उनके पास वापस टोटल फिगर हो गई है। उनका कहना है कि रात को जो तीन विधायक और आए जो अजीत पवार के खाखेमे में बता रहे थे, जिसमें दौलत दरोड़ा, अनिल पाटिल और ये दो लोग भी थे और नितिन पवार थे, जिसमें से दो लोगों को उनका कहना था कि हरियाणा में गुड़गांव के एक होटल में ले जाकर रखा गया था बीजेपी के लोगों के द्वारा, लेकिन वहां से उनकी जो हरियाणा की जो एनसीपी की टीम थी यूथ विंग की, उसने वहां से उनको होटल से निकाला और लेकर मुंबई में आया। तो फिलहाल एनसीपी का दावा है कि उसके पास कुल 52 विधायक हो चुके हैं, 52 उनके साथ हैं और सिर्फ अजीत पवार के साथ एक बचा हुआ है, यानी 52+2, ये एनसीपी का दावा है। अजीत पवार की तरफ से इसके दावे में कुछ आना बाकी है। इसके अलावा बताऊँ कि रात भर बैठकों का दौर चल रहा है और सामना जो शिवसेना का जो मुखपत्र है आज उसमें एडिटोरियल छपा है और उसमें पूरी की पूरी जो भड़ास थी उस अखबार में निकाल दी गई है इसके खिलाफ में, और जिस तरह की भाषा और उस अभद्रता भरी भाषा का प्रयोग किया गया, ये शायद पत्रकारिता में बहुत कम देखने में आता है, जैसे भैंसे से दूध दोना फिर गधे के द्वारा ये करना वगैरह, इस तरह की जो भाषाएँ, मतलब कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो शायद मैं आपके सामने
कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पूरी जो फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला पार्ट था वो इसमें, इससे पता चलता है कि शिवसेना कितनी डेस्परेट और कितनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है जो मौजूदा घटनाक्रम की वजह से और सत्ता से जो उसकी दूरी बनी हुई है उसको लेके। वैसे आज की बात बताऊं कि आज तीनों पार्टियां जैसे अपने यहाँ पे लगातार नजर रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला, सुनवाई का क्या नतीजा निकलता है। एनसीपी के विधायक होटल में ठहरे हुए, कांग्रेस के जेडब्ल्यू मैरियट में ठहरे हुए हैं, साथ ही शिवसेना के विधायक ललित होटल में ठहरे हुए हैं। तो ये तमाम लोग आज बैठकर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के में क्या निकलता है, और अगर उसमें ज़्यादा वक्त मिल जाता है तो ये लोग सीधे अपने होटल से एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से फ्लाइट ले लेंगे इधर राजस्थान के लिए या मध्य प्रदेश के लिए। इनके जो होटल है वो एयरपोर्ट के एकदम करीब वाले में लिए गए, तो तैयारी वगैरह उनकी तरफ से सब हो चुकी है। और अगर दिन कम मिलते हैं, कहा गया कि 24 घंटे 48 घंटे में बहुमत साबित करने की बात आती है, तो फिर ये लोग यहीं बने रहेंगे। तो सबकी निगाहें इस पर है, एक विधायक की मौजूदगी के बाद और उनकी उपस्थिति को तय करना ये बहुत जरूरी है। कोई छिटके ना इधर उधर ना हो, किसी से कांटेक्ट ना टूटे, सभी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं। राजीव रंजन जो कि लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक अपडेट वो भी हम तक पहुंचा रहे हैं। राजीव, कोई नया अपडेट है आपके पास फिलहाल? देखिए, नया अपडेट में मैं ये साफ बता रहा हूँ कि ये हयात होटल है जहाँ एनसीपी के विधायक है, या और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर जेडब्ल्यू मैरियट और ललित होटल है। सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह सुबह जहाँ हयात होटल में एक वकीलों की टीम यहाँ जरूर आई है और इसके साथ एनसीपी के कुछ नेता आए हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि वकीलों की टीम के जरिए किस बात की बात के लिए, जिस तरीके से ये तय हो रहा है कि सारे विधायकों का अफिडेविट एक तैयार किया जाएगा, उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, इस तरह की बातें जरूर चल रही हैं कि इन वकीलों से जितने विधायक हैं उनके एक अफिडेविट यहां से ले लिया जाए, लेने के बाद और बाकी दूसरे दलों के विधायकों से भी एक अफिडेविट तैयार किया जाए, अपनी तरफ से पुख्ता सबूत यानी पुख्ता सारे सबूत यहाँ से इकट्ठा कर लिए जा रहे हैं, सारे दस्तावेज तैयार कर लिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी वक्त ऐसा आ सकता है जब इन चीज़ों को वहाँ पेश किया जा सकता है। हालांकि अलग अलग बातें हैं जरूर भी, और इसके साथ साथ अपने विधायकों से मिलने के लिए जो नेता हैं वो जरूर आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही ये तय है कि कहीं भी कभी भी कोई समय ऐसा आ सकता है जब इनकी परेड भी कराई जा सकती है या इन्हें वहाँ उपस्थित भी रहा जा सकता है। इस लिहाज से यहाँ एहतियातन महज 100 मीटर की दूरी पर तीनों दलों के विधायक यहाँ ठहरे हुए हैं और इन विधायकों के साथ उनके नेता बराबर संपर्क में हैं। अभी सुबह सुबह का समय है जब यहाँ कुछ और नेता। ठीक है राजीव, एक बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शरद पवार सतारा के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पहले सीएम की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं शरद पवार। यशवंतराव चव्हाण को थोड़ी ही देर बाद वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आज महत्वपूर्ण दिन सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से, लेकिन उससे पहले शरद पवार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सतारा पहुंच गए हैं। तो पूरे सियासी जो अब ये संकट है, इसके बाद बीती रात कैसे जागते रहो पॉलिटिक्स होती रही, क्योंकि अगर सोए तो अपने विधायक खोए, पूरी खबर आपको समझाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं।